नवेद चौधरी साहब, ऑपोजिशन को लेकर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि आप लोग सबसे बड़े क्रिटिक थे नैप के, और बल्कि हमने आसिफ जरदारी साहब को सुना फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर, उन्होंने कहा था कि अगर नैप को साइड पर कर दिया जाए तो मामलात जो है आगे बढ़ सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि नून लीग की हुकूमत खुद कहती रही कि हाँ हमसे गलती हुई कि नैब अमेंडमेंट्स हम नहीं ला सके। अब जब इस हुकूमत ने ये कदम उठा लिया है और वो नैब अमेंडमेंट लेकर आ गए हैं, तो फिर उन पर इतनी तनकीद क्यों की जा रही है? अब तो आप लोगों को जो चीज आपसे नहीं हुई, आप लोग खुद इस चीज को इंडोर्स करते रहे कि हाँ कर देनी चाहिए थी नैब अमेंडमेंट्स, तो आज आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कर दी, तो फिर इतनी शदीद क्रिटिसिज्म क्यों? देखिए, आपने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा और मियां तीक साहब भी इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था और आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है नैब का, उसका रोल सबके सामने है कि नैब अपना रोल अदा करने में नाकाम रहा है। नैब ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया वो आपके सामने है, वो सब किसी न किसी बेल के बाहर आ गए और वो एक ऐसे जुर्मों की सजा काटी जो कि उन्होंने ना करदा जुर्म थे। आज तक रेफरेंसेस किसी से नहीं बन सके, जो रेफरेंसेस बने उनकी एविडेंस इतनी कमजोर है कि हिसाब कोई नहीं। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो कि मास्टर ऑफ यू टर्न्स है, जिसने कि हर जगह पर यू टर्न्स लेना है, उसका तो एक ही एजेंडा था और वो एजेंडा इनका ये था कि मैंने मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है, मैंने मुल्क के अंदर किसी करप्ट को रहने नहीं देना। तो फिर ये उन करप्ट को बचाने के लिए क्यों आ गए जो 50-50 करोड़ रुपए वाले हैं? क्या वो करप्ट ऐसे नहीं थे करप्ट जिनके लिए किया है? तो इसमें इनका मैलाफाइड इंटेंशन नज़र आती है। और फिर ये फिक्रा कहना कि मेरे चंद दोस्तों को भी बेनिफिट मिलेगा, चंद नहीं सब दोस्तों इनके बेनिफिट मिल रहा है, जुल्फी बुहारी हो या परवेज खटक हो, ये सब इनको मिलेगा। अगर आपने कोई अमेंडमेंट लानी है या अमेंडमेंट लानी थी तो पार्लियामेंट मौजूद थी। अगर आप इतनी अच्छी अमेंडमेंट लेके आ रहे थे कि जिसमें सब अपोजिशन को इतराज़ नहीं था, तो कंसेंसस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रेफर कर देते केस उसके कमेटी के पास और आज ये बिल पेश हो चुका। लेकिन नहीं, देवर इन हेस्ट, उनको पता है कि आने वाले चंद दिनों में उनके साथ क्या होने वाला था, उनके अपने केसेस की क्या पोजीशन है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसका बेस्ट वे है कि ये कह के बेनिफिट उठाने की कोशिश